एक जंगल में अकेला गौरैया रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था। वह पेड़ की डाल पर बैठा इधर उधर देख रहा था। उसी डाल पर एक तोता था जिसने गौरैया को अकेला देखा तो उसके पास गया। अरे छोटे गौरैया, तू यहां अकेला क्यों बैठा है इधर उधर देखते हुए? गौरैया ने कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है तो मैं बस यही देख रहा हूं कि मुझे कोई मिल जाए। हाय बेचारा, तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है। ठीक है, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे दोस्त बनेंगे। तोते ने कहा, वाह, मैं आप लोगों की दोस्ती पाकर बहुत खुश हूं। गौरैया ने खुशी से कहा। उस दिन से गौरैया उनके साथ रहने लगा। क्या हम पास वाले खेत के पास जाकर वहां कुछ खाएं? गौरैया ने पूछा। नहीं, ये गलत है। हमें अजनबियों के खेत में जाकर उनकी अनुमति के बिना खाना नहीं चाहिए। तोते ने कहा, तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें एक जगह ले जाएंगे जहां पर बहुत सारा खाना मिलेगा। तोते ने कहा, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ आऊंगा। गौरैया मान गया। तोता और गौरैया एक जगह गए जहां पर एक आदमी रोज इनको खाना खिलाता था। गौरैया भी अब रोज उनके साथ उसी स्थान पर जाने लगा खाना खाने के लिए। तोते भी गौरैया को हर जगह अब साथ ले जाते थे। कुछ ही दिन में गौरैया भी उनके झुंड का एक हिस्सा बन गया। बस सब एक साथ बहुत खुश थे। इसी दौरान गौरैया ने कुछ कौवे से भी दोस्ती कर ली। वह उनके साथ काफी समय बिताने लगा। पर तोते ने गौरैया से कहा कि वह कौवे से दूर ही रहे। उसने कहा, कौवे की संगति बुरी होती है। पर गौरैया ने तोते की बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन सारे कौवे एक मक्के के खेत पर जा रहे थे तो उन्होंने गौरैया को भी साथ आने को कहा। पर मेरे दोस्त तोते ने बोला कि किसी और के खेत में जाकर खाना गलत है, तो माफ करना, मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकता। अरे, हम कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी खा सकते हैं। अगर तुम उन तोतों की बातें सुनोगे तो कभी ठीक से बड़े नहीं हो पाओगे, कौवों ने कहा। अब भोला गौरैया ने कौवों की बात सुन ली और उनके साथ चला गया। सारे कौवे मक्का खाने लगे और खेत को नष्ट करने लगे। गौरैया को पता नहीं था कि वह क्या करे। वह इधर उधर कूद रहा था। इसी दौरान खेत का किसान वहां आ गया और देखा कि सारे पक्षी उसके खेत को खराब कर रहे थे। उसने तुरंत पक्षियों पर जाल बिछाया। किसान को देखते ही कौवे तो तुरंत वहां से उड़ गए, क्योंकि उनको इस चीज की पहले से ही आदत थी। पर बेचारा गौरैया को समझ नहीं आया और वह पकड़ा गया। किसान को लगा कि एक कौवा तो पकड़ा गया, पर पास आकर देखा तो जाल में था एक छोटा गौरैया। किसान बहुत गुस्से में था, क्योंकि कौवों ने तो उसकी सारी फसल खराब कर दी थी। मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, कृपया मुझे छोड़ दो, गौरैया ने बहुत विनती की। पर किसान ने उस पर कोई रहम नहीं दिखाया और उसको जाल में ही मरने छोड़ दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए और बुरी संगति से दूर रहना चाहिए।